दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी पर सूत्रों के हवाले से नया खुलासा हुआ है। धमकी के पीछे एक शख्स नहीं संगठन का हाथ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। साजिश के तार विदेशों से जुड़े हो सकते हैं, तो सोर्सेस से ये इस वक्त की बड़ी खबर। आईपी एड्रेस विदेश में मौजूद है, एक ही सर्वर का है ये भी बताया जा रहा है। साजिश के तहत आज दिन वक्त तय किया गया, सभी स्कूलों को एक ही वक्त पर ईमेल भेजा गया। सोर्सेस के हवाले से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। दिल्ली के कई स्कूलों को आज, न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को आज यही धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसको लेकर अब ये बड़ा खुलासा हो रहा है। तो स्कूलों को धमकी, सूत्रों से नया खुलासा जो हुआ है उसे भी समझना जरूरी है। धमकी वाले मेल के पीछे किसी संगठन का हाथ है, ऐसी जानकारी सोर्सेस के हवाले से। साजिश के तार विदेश से जुड़े होने की आशंका भी इस बीच व्यक्त की गई है। बता दें आपको, साजिश के तहत आज का दिन और वक्त भी तय किया गया। इसके अलावा सभी स्कूलों को एक जैसा ही ईमेल भेजा गया है, जिसके आधार पर ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। मेल के आईपी एड्रेस का सर्वर विदेश में मौजूद है, सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर भी है। इस बीच आपको बताते हैं कि मेल में लिखा क्या है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। तो बता दें, मेल में लिखा गया है, हमारे दिल में जिहाद की आग है, हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिलों को गले लगाता है। इंशाल्लाह हम उसे हवा के माध्यम से भेजेंगे और तुम्हारे शरीरों को तहस नहस कर देंगे। हम तुम्हें आग की लपटों में झोंक देंगे, तुम्हारा दम घुट जाएगा। अल्लाह ने इसके लिए हमारे अंदर आग पैदा की है। काफिरों, इंशाअल्लाह उसे अपने आसपास देखो और हमेशा के लिए जल जाओ। अल्लाह की इजाजत से धुआं आसमान में उतरेगा, ये सब खत्म हो जाएगा। क्या आपने सच में सोचा था कि आपके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों का कोई जवाब नहीं होगा? हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, ठीक है, मेल के अंदर क्या कुछ बातें लिखी थी हमने ये तो बता दिया, लेकिन ये जो बड़ा खुलासा हुआ है वो अपने आप में बहुत बड़ा, उसमें दावे किए जा रहे हैं कि विदेश से भेजी हुई हो सकती है मेल, और क्या कुछ खुलासे हुए? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस के जो साइबर सेल है वो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के साथ इस तफ्तीश को आगे बढ़ा रही कि आखिरकार ये ईमेल कहां से किए गए। तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं दिल्ली एनसीआर में जिन्हें एक साथ ये मेल किया गया, एक वक्त पर किया गया, एक तारीख पर किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को शक है कि हो सकता है कि इसके पीछे एक शख्स का नहीं किसी संगठन का हाथ हो, और जो ईमेल भेजे गए वो भी एक सोची समझी साजिश के तहत एक तय वक्त पर एक तय तारीख पर भेजे गए हैं। और उनके लिए जो स्कूल थे वो स्कूल भी दिल्ली एनसीआर के बड़े नामचीन स्कूल है, जहां पर बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करते हैं, और इन सभी को एक साथ ये मेल भेजा गया। तो कहीं ना कहीं शक इस तरफ इशारा करता है कि इसके पीछे किसी संगठन का हाथ हो सकता है। और जो सर्वर इस्तेमाल किया गया इस आईपी एड्रेस को क्रिएट करने के लिए वो विदेश में मौजूद है, अब तक की तफ्तीश में साफ हो चुका है। इसके अलावा अलग अलग आईपी एड्रेस वर्चुअली उस सर्वर के जरिए क्रिएट किए गए और उनसे यह ईमेल भेजा गया। लेकिन सवाल फिर यही खड़ा होता है कि आखिरकार क्या यह ईमेल विदेश में बैठे किसी या संगठन ने भेजे, या फिर वो संगठन या फिर कहें उनसे जुड़े लोग हिंदुस्तान के अंदर बैठकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनके पीछे या जिनको लेकर फिलहाल जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं, अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही हैं। इसके अलावा कोशिश है कि जो सर्वर है उसको जल्द से जल्द लोकेट किया जाए, जिसमें ना सिर्फ साइबर सेल बल्कि जो साइबर एक्सपर्ट है बाहर मौजूद उन सभी की मदद भी दिल्ली पुलिस और इसके अलावा जो गाजियाबाद पुलिस है, नोएडा पुलिस है, वो ले रही है, ताकि जल्द से जल्द उस सर्वर की पहचान हो सके, साथ ही उन आईपी एड्रेसेस का पता चल सके कहां से वो क्रिएट किए गए, कहां बैठकर क्रिएट किए गए, और उसके बाद जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचा जा सके। जी बिल्कुल, और इसी कड़ी में अभी भी जो अपडेट्स लगातार आ रहे हैं आप तक, TV9 भारतवर्ष लगातार पहुंचा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूलों को धमकी पर गृह मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है। ऐसा लग रहा है कि ये फर्जी कॉल है, यानी होक्स कॉल इसे माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस हालांकि कि इस बीच भी हर जरूरी कदम उठा रही है, यह भी गृह मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है।